अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त वाले दिन जो है वो इंडिया अपना ऑफिशियली इंडिपेंडेंस डे जो है उसको सेलिब्रेट करता है। तो इस सेलिब्रेशन में शरीक होने के लिए, मतलब शामिल होने के लिए आपका भाई जो है वो एक वीडियो प्रोडक्शन करने जा रहा है जो कि होने वाली है इंडिया के इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड। तो बेसिकली वीडियो थोड़ी सी पुरानी है, 4 साल पुरानी है, पर मुझे अभी इन दिनों में जो वीडियो नज़र आई मुझे फिर इसी को ऊपर रिएक्शन बनाना पड़ा क्योंकि मुझे कोई लेटेस्ट वीडियो नज़र आ नहीं रही थी इंडिपेंडेंस डे के ऊपर। तो इसमें है बजाज अवेंजर्स। तो बजाज अवेंजर जो सी है इसके इस चैनल के ऊपर जो है इस वीडियो को डाला गया था आज से 4 साल पहले और इसके ऊपर 31 मिलियन व्यूज़ हैं। तो इसका मैं टाइटल वर्क ऊपर के बताता हूँ, ये है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे शो योर पैट्रियोटिज्म, और उसके बाद लिखा हुआ है अवेंजर फ्लैग बजाज अवेंजर। तो लेट्स सी, देखते हैं कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। और ये बड़ी छोटी सी वीडियो है, 1 मिनट 32 सेकंड की, तो काइंडली इसको पूरा देख के जाइएगा, बड़ी मज़े की होने वाली है। और आपका भाई आप लोगों के लिए शूट कर रहा है आपके इंडिपेंडेंस डे के लिए, तो इसलिए काइंडली अगर आप अपने मुल्क से, अपनी कंट्री से, अपने भारत से प्यार करते हैं तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो अपनी फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मैं इस चैनल के ऊपर इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूं। तो चले जी, लेट्स जंप टू द वीडियो और लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, बजाज की बाइक आ रही है, आई थिंक अवेंजर। अच्छा जी, बाइक पे किसने झंडा लगा दिया? अगस्त 15 और उन्होंने झंडा उतार दिया। अच्छा, इस दिन 15 अगस्त को जैसे आप अपना पैट्रियोटिज्म जो है वो साबित करने के लिए झंडे लगाते हैं, ये बताया गया। हर बंदा झंडे लेके घूमता। अच्छा, वो हर जगह पे ना काटे झंडे, पहाड़ियों के सुन सनाटे रास्तों से जा रहे हैं। किसी वैली में पहुंच गए। अगस्त 15 तो व्हाट्स पैट्रियोटिज्म मीन टू यू? तो उन्होंने ये बताया कि पैट्रियोटिज्म का मतलब ये है कि अपने झंडों को जमीन पे ना फेंक, नो प्लास्टिक। तो ये आपके भाई का रिएक्शन था और इस वीडियो को प्रोड्यूस किया है बजाज ने और काफ़ी मज़े की वीडियो लगी यार मुझे। उन्होंने बताया कि आप जो है कितना वेस्ट पैदा करते हैं जब आप झंडे जो है उनको बनाते हैं, फिर पैट्रियोटिज्म के लिए उसको शो करते हैं कि मैं अपने मुल्क से प्यार करता हूं, तो उसको शो करते हैं, उसके बाद फिर जब वो दिन गुजर जाता है फिर आप उसको वेस्टेज में फेंक कर चल जाते हो। तो उन्होंने बताया कि इस चीज़ की कदर करें अपने मुल्क की, अगर आप अपने मुल्क से प्यार करते हैं तो फिर अपने मुल्क के झंडे से भी प्यार करें। तो वो उन्होंने वही, मतलब हर जगह से जिन लोगों ने झंडे फेंके हुए थे 15 अगस्त के गुजर जाने के बाद, तो उन्होंने उसको कलेक्ट किया और के चले गए। तो उन्होंने बेसिकली अपने मुल्क से जो है वो बताया कि पैट्रियोटिज्म खाली ये नहीं है कि झंडे को लेके फिरना, पैट्रियोटिज्म ये भी है कि जिन्होंने झंडों को नीचे फेंका हुआ उनको उठा के उनको क्लीन करना वहाँ से, ताकि वो झंडे जो है किसी के पाँव के नीचे ना आए। ये भी एक रिस्पेक्ट होती है आपके झंडे की, अगर आपके झंडे को कोई पाँव लगा दे तो आपको उस चीज़ के ऊपर गुस्सा चढ़ता है। तो जब आप अपना झंडा खुद ही नीचे फेंक देते हैं तो फिर कोई ना कोई बंदा तो पाँव लगा ही जाएगा उसके ऊपर चलने के लिए। तो ये आपका भाई का रिएक्शन था। आपको ये रिएक्शन कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो दोबारा मुलाकात होगी ऐसी किसी मज़े की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड विद द हाफिज़।